गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? फाइन. टुडे वी विल टीच इंग्लिश सब्जेक्ट. राइट एम टू जेड लेटर. हम लोग कैपिटल लेटर आज एम टू जेड का प्रैक्टिस करेंगे. ओके, डेट डालेंगे 3/30/1/12/2020. सी डब्ल्यू क्लास वर्क लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे राइट एम टू जेड. ओके, यहाँ पे आपको एम टू जेड लेटर लिखना है. ठीक है, हमने ए टू एम लेटर प्रैक्टिस कर चुका है, अब क्या करेंगे एम टू जेड. सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्टैंडिंग लाइन डालना है, फिर एक स्लैंटिंग लाइन, फिर ऊपर की ओर एक स्लैंटिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन. ये बन गया एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर आउल, P for pencil, Q for queen, R for rose, H for sheep, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for X must tree, Y for yeah, Z for zebra. ओके, ये लेटर आपका कंप्लीट होता है M to Z. उसके बाद ओपन योर हॉलीडे होमवर्क बुक. ओपन करेंगे पेज नंबर आपका 7. ओके स्टूडेंट, डेट डाला है मैंने 30/12/20. क्लास वर्क लिखा है, यहाँ पे देखिए K फॉर काइट, J फॉर जग, K फॉर काइट एंड L फॉर लॉयन दिख रहा है लेटर आपको, उसमें आपको ट्रेस करना है. ठीक है, देखिए डॉट सबसे पहले J फॉर जग है ना, ये है J फॉर जग. व्हाट इज दिस? दिस इज J फॉर जग, 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 J for jug, J for jug. Okay student, next है K for kite. Kite ये होता है पतंग. ठीक है, K for kite, K for kite, K for kite, K for kite, K for kite एंड K फॉर काइट. ओके, लास्ट है आपका L फॉर लायन. L फॉर लायन का देखिए कैसे करेंगे, स्टैंडिंग एंड स्लिपिंग लाइन करेंगे. ये सबसे पहला वाला लेटर है हम लोग जो सीखे थे वो L फॉर लायन, L फॉर लायन, L फॉर लायन. ठीक है, मैंने ये दो लाइन है जो छोड़ दिया है, इसको आपको कंप्लीट करनी है. लास्ट में आपका है पोयम. लास्ट पोयम है आपका पोयम 11, आई हैव ए लिटिल नोज. ओके स्टार्ट नाउ. आई हैव ए लिटिल नोज एंड आई हैव ए लिटिल चिन एंड आई हैव ए लिटिल माउथ जस्ट टू पुट माई डिनर इन. ओके स्टूडेंट, ये देखिए तीन स्टूडेंट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे तीन बच्चे हैं, उन लोग सब अपना अपना बता रहे हैं. ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं. आई हैव ए लिटिल नोज एंड आई हैव ए लिटिल चिन एंड आई हैव ए लिटिल माउथ Just to put my dinner in. Okay student, today's work complete. Thank you.